नमस्कार, कार्यक्रम नो पॉलिटिक्स प्लीज, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आठवीं बार विधानसभा में विजय पताका फहराते हुए आगे तो बढ़े ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका नाम एक ऐसा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या आप इससे भी हटा दीजिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, कि उनके बिना छत्तीसगढ़ की राजनीति अधूरी मालूम पड़ती है। और अब जबकि उनके पास दिसंबर के विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक जीत के साथ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व है, तो एक और महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिलता है और ये संदेशा केंद्र का होता है कि आप रायपुर से लोकसभा का चुनाव लड़िए। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी राजनीतिक यात्रा से जुड़े उनके अपने अनुभव, जिसमें अराजनीतिक तत्व अधिक है, उस पर हम बात करें। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, रायपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार बृजमोहन जी, आपको जब भी मैं देखता हूं तो एक वो गीत जो आडवाणी जी को भी बड़ा प्रिय था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हालांकि ये गीत है, फिक्र धुएं में नहीं उड़ती है, लेकिन आपकी राजनीतिक यात्रा जो 80 के दशक से आरंभ होती है, कैसे देखते हैं? मैं आपको अगर 15-20 साल के बृजमोहन अग्रवाल जी के कलेवर में ले चलूं, जब आप किशोर हैं, उस समय की जनसंघ से उभर कर बड़ी बनी भारतीय जनता पार्टी, कैसे देखते हैं तब के रायपुर को और अपनी राजनीतिक यात्रा को? देखिए, रायपुर से मेरा जुड़ाव बचपन से, प्राइमरी स्कूल से रहा है और एक स्कूल की छोटी सी घटना ने जी मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करने का की प्रेरणा दी जी, कि एक शिक्षक बच्चों को इस कारण फेल कर देते हैं कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं उस शिक्षक के पास। अच्छा। और उस समय हम स्कूल में पहली बार कोई धरने पर बैठते हैं और उसके बाद सब साथियों के द्वारा नेताजी नाम से पुकारा जाने लगता है। किस समय की बात है ये? लगभग 75-76 की बात है जी। उस समय भी ऐसे शिक्षक थे जो ट्यूशन की वजह से फेल कर देते थे जी। तो वहां से मुझे लगता है कि एक फिर ऐसा लगता है कि जो शैक्षणिक क्षेत्रों में अराजकता है उसको लेकर हमें लड़ना चाहिए जी। तो फिर हम कॉलेज में पहुंचते हैं, कॉलेज में छात्र राजनीति में आ जाते हैं, छात्र राजनीति में आने के बाद फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ जाते हैं जी। उस जमाने में जो छात्र राजनीति होती थी वो मोहल्लों की राजनीति होती थी, गुंडागिर्दी की राजनीति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्राह्मण पारा होता था, यहाँ पर एक मौधा पारा होता था, यहाँ पर एक देशबंधु संघ होता था। तो हम लोगों ने उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ना शुरू की जी, कि अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गुंडों की पॉलिटिक्स नहीं होगी, जो छात्रों के हित में काम करने वाले लोग होंगे उनकी राजनीति होगी जी जी। और लगभग 10 सालों तक छात्र राजनीति से जुड़े रहे। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय हुआ करता था, दूसरा विश्वविद्यालय होता था सागर विश्वविद्यालय, जहां से हमारे यहाँ के जी बच्चे पढ़कर निकलते थे। तो विद्यार्थी परिषद में फिर विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, उस समय तो मुझे लगता है कि शायद विधायक से ज्यादा कोई राजनीतिक तवज्जो किसी को मिलती थी तो वो स्टूडेंट लीडर को मिलती थी। बहुत सुंदर बात कही आपने, बिल्कुल सही है। और यहाँ की दुर्गा कॉलेज जैसी कॉलेज, जो सबसे बड़ी कॉलेज होती थी, उसके अध्यक्ष बने, फिर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रदेश में ब्लैक लिस्ट शुरू कर दी कि जो छात्र राजनीति में ज़्यादा एक्टिव हैं उनको कॉलेजों में एडमिशन ना मिले। तो फिर छुपकर भिलाई में जाकर कल्याण लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से प्रेसिडेंट बने, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा। तो लंबे समय तक वहाँ से, और फिर एक समय ऐसा आया जी जब कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुँचाने के लिए
एक छत्तीसगढ़ जन परिषद कर बना ली जी हाँ जी। और ऐसे समय पर कुशाभाऊ ठाकरे जी और यहाँ गोविंद सारंगी संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन लोगों ने कहा कि अब बीजेपी में आ जाओ। फिर युवा मोर्चे में प्रदेश के मंत्री का दायित्व, प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व, प्रदेश महामंत्री का दायित्व, यहाँ पर एक युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता जी सब आए। वो मेरे लिए राजनीति में आने के बाद एक साल बाद का ही कार्यक्रम था। और ये पूरी आपकी यात्रा रही। मैंने एक किस्सा और सुना है ब्रिजमोहन जी उस दौर का, और वो ये बताता है कि अगर एक समय कैसे युवा होते थे, जिस युवा आंदोलन से आप निकले हैं, कि यहाँ के किसी टेलर ने, जो बड़ा पॉपुलर था 80 के दशक में, उसने रातों रात अपनी सिलाई के दाम बड़े अनाप शनाप बढ़ा दिए, और रविशंकर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए, और उसको एक दिन में ही वो फैसला, आपको याद है वो घटनाक्रम? याद है मुझे। यहाँ पर कन्हैया पैराडाइज करके टेलर होता था, जो सबसे महंगा होता था। जी जी। तो जब कॉलेज के बच्चे या प्रेसिडेंट बनते थे तो ब्लेजर सिलवाने का शौक होता था। जी हाँ जी। और वो ब्लेजर सिलने वाला वही एकमात्र टेलर था, उसकी सिलाई के रेट कपड़े से ज्यादा होते थे। वाह जी। हाँ। तो उस समय एक आंदोलन किया कि सिलाई के रेट कम होना चाहिए, और उसको कम करवाया। तो उस जमाने के तो अनेक किस्से हैं। उस जमाने में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ। ब्रजमोहन जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या आज के युवा को क्या हमने बहुत करियर ओरिएंटेड बना दिया है? क्या वजह है कि आप लोगों की जो शक्ति थी, कुछ नहीं था, आप उस समय बीजेपी या जनसंघ का मतलब था संघर्ष का ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल कहाँ है किसी को नहीं पता था, फिर भी आप लोग इतने हौसले से भरे, उम्मीद से भरे, प्रसन्नता से, आज क्या कठिनाई है? एक उस समय जज्बात होता था जी, और कुछ इथिक्स होते थे। क्या बात है। और मुझे याद है कि 77 में जब इमरजेंसी लगी तो विद्याचरण शुक्ला जी ने सब स्टूडेंट लीडर्स को बुलाया कि इंदिरा जी के समर्थन में आप लोग सड़कों पर उतरो। और उस समय विद्याचरण शुक्ला जी बहुत देश के माने हुए नेता होते थे। हम लोगों ने विरोध कर दिया कि हम समर्थन में नहीं आएंगे, हम देश हित के लिए काम करेंगे। तो उस समय से ही, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, तो फिर राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो गई थी। आज का जो युवा है वो तो, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि आज का युवा परिक्रमा की राजनीति करता, पराक्रम की राजनीति नहीं करता। बिल्कुल। और पराक्रम की राजनीति, और वो शॉर्टकट चलता है, वो संघर्ष करना नहीं जानता। आजकल का युवा तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसी में उलझ गया है, और उसी को वो समझता है कि वही आंदोलन है। तो सड़कों की लड़ाई आज का युवा, जब तक आपने संघर्ष नहीं किया है, तो संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर आपको, आप ये सोचें कि आपको सफलता मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि आप नाली के पानी को अगर हिमालय पे भी चढ़ा देंगे तो आकर वो नाली में ही गिरेगा। हाँ, ठीक बात है। तो एक बार के लिए तो आप हिमालय पे चढ़ जाएंगे, परंतु लंबा समय आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की पीढ़ी को भी संघर्ष करना, सड़कों की लड़ाई लड़ना, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, और वही हमको जज्बा देता था कि हम कुछ नौजवानों के लिए, कुछ लड़कों के लिए, कुछ विद्यालयों के लिए। मुझे याद आया कि मध्य प्रदेश में हम लोग, एक पूरी मध्य प्रदेश की छात्र यूनियन बनी, और अर्जुन सिंह जी जबलपुर के रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। हम लोग रात को 2 बजे जाकर अर्जुन सिंह जी को हमने उठा दिया। वाह वाह। कि ये छात्रों की राजनीति, छात्रों की समस्या आपको सुनना पड़ेगा। तो उस समय की राजनीति, उनका रवैया क्या था? उनका रवैया क्या? उस समय तो छात्र नेताओं से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो कोई हो, सब डरते थे। रात को 2 बजे उठे, उन्होंने समस्याओं को सुना। तो सुनिए नौजवानों, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि क्या ताकत आपकी कभी हुआ करती थी। आज आप सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करने में मत उलझिए, उस तरह संगठित होने में आगे बढ़ने की तरफ बढ़िए। ब्रिजमोहन जी, आपको मैं जब भी देखता हूँ, मैंने आपको अनंत आशा के नेता के रूप में देखा। मैंने कभी आपकी मुस्कुराहट में कमी नहीं देखी, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके पीछे कितने जख्म होंगे, कितनी चोट होगी, कितनी दुर्भी संधियाँ होंगी,
इन सब से जूझ कर आप आगे बढ़ें, इसका जरा नई पीढ़ी के नेताओं को बताइए। आपने बहुत सुंदर बात कही कि वो परिक्रमा की राजनीति करते हैं, पराक्रम की नहीं। जब मन टूटता है तो कैसे जोड़ते हैं उसको? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आपके संघर्ष आपकी योग्यता के साथ साथ कहीं ना कहीं एक तीसरी शक्ति भी है, डेस्टिनी भी है। डेस्टिनी कई बार आपकी परीक्षा लेती है। क्या बात है जी। और अगर परीक्षा जो है उसमें आप निराश नहीं होते हैं और आशा भरी निगाहों से अगर भविष्य को देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन वो आपको प्राप्त होगी। अगर आप निराश हो जाएंगे तो आप घर में बैठ जाएंगे। बिल्कुल, या तो आप घर में बैठ जाए या आप संघर्ष के लिए तैयार रहें। संघर्ष के लिए तैयार रहें। ब्रजवान जी, इसी कार्यक्रम में अभी चार दिन पहले मेरी कैलाश जी, जो आपके समकालीन हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने पहले भी एक खुलासा किया था, उस दिन भी हमारी बातचीत में कहा कि एक बार उन्होंने उस समय राजनीति छोड़ने का उनका मन हो गया था जब उनके पुत्र ने उन पर लगे कुछ आरोपों को लेकर पूछा था रात में उनके पास आकर कि पापा, ये जो अखबारों में छप रहा है इसमें क्या सत्यता है। तो उन्होंने कहा जब अपने ही सवाल उठाएं अगर मन में, तो आपके मन में कभी द्वंद्व हुआ? क्योंकि बहुत घेराबंदी आपकी हुई, बड़े एलिगेशन भी लगे, किस्त कभी ऐसा भाव आया या ना, कि हमेशा आपको लगा कि नहीं, पलायन नहीं? देखिए, ये सब चीजें क्षणिक होती हैं, परंतु उस समय जब आपके सच्चे साथी होते हैं तो फिर वो आपको सलाह देते हैं। ये सब चीजें क्षणिक है, हो सकता है ये सब घटनाएं कुछ अच्छे के लिए हो रही हों जी। तो जब अपने जो आपके क्षणिक शुभचिंतक होते हैं वो तो आपसे आके निगेटिव बात करते हैं जी, परंतु जो आपके स्थायी शुभचिंतक होते हैं वो आपको सलाह देते हैं, इन सब चीजों से निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में निराशा नहीं पाली। कभी कभी मन में भाव आता है परंतु वो भाव बहुत जल्दी दूर हो जाता है। इन तमाम झंझावातों के बीच में आप आगे बढ़ते रहे और बीजेपी के एक ऐसे अनुशासित, हमने देखा कि जब रायपुर लोकसभा का फैसला हुआ तो तत्क्षण आप उसी तरह तैयार थे जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल गया। ये आसान नहीं होता, आपके चेहरे के भाव बदलते हैं, पीड़ा दिखती है, परेशानी दिखती है, तमाम चीज़ें। और एक चुनाव अभी आप मुश्किल 3-4 महीने पहले लड़े हैं, फिर एक चुनाव की तैयारी है और चुनाव अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। इन चुनौतियों को लेकर क्या भाव रहा मन? देखिए, मैं ये मानता हूँ जो चुनौतियाँ आपके जीवन में आएंगी जाएंगी, परंतु उन चुनौतियों से घबराने की बजाय उसको अवसर के रूप में परिवर्तित करने में आपकी क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए मैंने ये माना कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ निर्णय किया है तो सोच समझ कर किया होगा। आज हम जो कुछ हैं वो पार्टी के कारण है, और इसलिए पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, और इसलिए पार्टी के निर्णयों को मानना क्षणिक आवेश में आकर या क्षणिक निराशा में आकर तुरंत निर्णय करना ये कभी कभी बड़ी भूल हो जाती है। ठीक कह रहे हैं। और इसलिए मैं कभी भी जब कोई ऐसे निर्णय करने की स्थिति होती है तो मैं क्षणिक निर्णय करने की बजाय अपने ऐसे दोस्त यार मित्र राजनीतिक लोग या परिवार के लोग जो हमेशा भले के लिए ही सोचेंगे, कभी ऐसे लोगों से सलाह कर और उसके बाद में मैं निर्णय करता हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में 3 लोग ऐसे हैं, माता पिता और फिर जीवन संगिनी, जो सब कुछ कह सकते हैं और सब कुछ हम सुनते भी हैं, माता पिता से जीवन संगिनी से। जब आपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया तो जो आपकी अर्धांगिनी, आपका बड़ा स्नेह है, हम सब जानते हैं किस तरह से आप सहेज कर ईश्वर उनको दीर्घायु करे, कभी उनकी तरफ से ऐसी शिकायत आई युवावस्था के दिनों में कि ये कब न मिलने का समय है न चर्चा का समय है? और कभी क्या आपको भी लगा कि हालांकि आप बड़े मस्त मौला भी रहे, मुझे लगता है क्वालिटी टाइम जितना भी होगा आपने उनको दिया होगा, लेकिन फिर भी कभी कोई अफसोस मन में? ये स्वाभाविक चीजें हैं जी। अब कभी कभी तो शादी की सालगिरह होती थी, हम रायपुर से बाहर होते थे जी, बच्चों का जन्मदिन है तो बाहर है,
कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे जब हुए उस समय मैं रायपुर में ही नहीं था। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जी जीना पड़ता है, और अपने जीवन साथी को तो आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। ठीक बात है कि सबके लिए समय है आपके पास, हमारे लिए नहीं। लेकिन उनका जो योगदान रहा उसे आप कैसे देख? निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी हौसला अफजाई की है, कि क्योंकि वो भगवान को बहुत मानती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो उनका ये मानना होता है जो करेगा भगवान अच्छा करेगा, हमको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। और लगभग मैं भी उसी मत का हूँ कि नीचे वाले कितना भी बिगाड़ें, पर अगर हमने किसी का नहीं बिगाड़ा है तो हमारे साथ अच्छा होगा। कभी किसी पे गुस्सा आया इतने लंबे राजनीतिक जीवन में? आता है गुस्सा, स्वाभाविक है वो तो। मैं डायबिटीज का मरीज भी हूँ जी, जी, जी। बहुत बार जब मैं ऑफिस में गुस्सा करने लगता हूँ तो मेरे जो सीनियर स्टाफ है जो मुझसे बात कर सकते हैं कि सर लगता है आज आपकी शुगर बढ़ गई है। अच्छा, ऐसा सोचते हैं जी। लेकिन कितनी सहजता से आप ये बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, एक राजनेता की उलझन और चुनौतियों से हम सब वाकिफ हैं। कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ, क्योंकि बहुत मैं इस प्रोग्राम को खासतौर से मैं सोच रहा हूँ कि युवा राजनेता या जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं न भी आना चाहते हैं, 24 घंटे 24/7 जैसे हम TV चैनल्स हैं वैसे ही ब्रिजमोहन जी और राजनेता हैं। रात 2 बजे अर्जुन सिंह जगते हैं तो रात 3 बजे 4 बजे ब्रिजमोहन जी भी जगते हैं, कोई भी आके घंटी बजा सकता है, ये प्रभु का दरबार है जैसे। ये बताइए मुझे सर कि आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भरमार है, तुरंत फ़ोन रिकॉर्ड हो जाता है, तुरंत छिपा हुआ कैमरा गतिविधियां कैद कर लेता है, कौन सी चीज़ कौन मित्र बनकर आया शत्रु है, कौन शत्रु बनकर आया मित्र है पता नहीं चलता है। ऐसे में आपकी राजनीति को मैं देखता हूँ तो कोई भी इस तरह का आक्षेप नहीं कि ब्रिजमोहन जी का ये ऑडियो वायरल हो गया जिसमें बहुत नाराज हो रहे हैं BJP के एक नेता को लेकर, या ब्रिजमोहन जी से जुड़ी कोई चीज़ आ गई, इतना जबकि आप बहुत साफ भी हैं, आपको जानने वाले जानते हैं कि खुलकर बोलते हैं ब्रिजमोहन जी, क्या सलाह देंगे उन नेताओं को जिनके वीडियो वायरल हो जाते हैं, ऑडियो वायरल हो जाते हैं, जिनकी कहानियां कई बार ऐसा माना जाता है कि ब्लैकमेल होते रहते हैं? देखिए, हमको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम अपने अतरंग के साथ भी अगर सड़क पे करेंगे तो लोग उसको वर्गल कहेंगे। ठीक बात है। जो चीजें कमरे में करने की है वो कमरे में करिए, जो चीजें एकांत में करने की है वो एकांत में करिए, जो जहां बात करने की है वहां बात करिए। आपको कभी भी मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में अगर मुझे किसी ब्यूरोक्रेट को भी डांटना है तो मैं कभी उसको सार्वजनिक रूप से डांटने की बजाय कमरे में अलग से बुलाकर समझाऊंगा। क्या बात है। मेरे स्टाफ को भी बोलना है, बहुत वैल्यूबल। या किसी के साथ भी अगर मेरी आपसे भी कोई नाराजगी है तो मैं आपको भी जब अकेले में मिलेंगे तो मैं हंसी मजाक में बोल दूंगा कि शरद जी ये बात ये आप क्या कर रहे हो। बस इतना बोल कर मैं कभी परमानेंट नाराजगी मैं किसी से पालता नहीं हूं। मैंने एक शब्द में कहा और उसको खत्म कर दिया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आपका वेलविशर है तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा कुछ किया गया है तो हो सकता है ये उसकी मजबूरी हो। मैं बहुत बार अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि तुमने कुछ मुझे काम बताया है तो तुम ये मान के चलो कि अगर संभव होगा तो वो होगा, अगर नहीं हुआ है तो कोई ना कोई मेरी मजबूरी होगी। क्या बात। इसलिए दोस्ती जो हमारी है या नज़दीकीपन है वो काम के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत संबंधों के लिए है। तो हमको व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखना चाहिए और काम को अलग रखना चाहिए। जब दोनों में हम अलग अलग दोनों को रखेंगे तो मुझे लगता है कि किसी से आपकी कोई नाराजगी या दुश्मनी नहीं होगी। बहुत सुंदर। और इसलिए मैं शायद देश के 140 करोड़ की आबादी में मेरी अगर नाराजगी होगी तो 1-2 लोगों से होगी, उससे ज्यादा लोगों से नहीं। वाह, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से, खत्म कर रहा हूँ।
मीडिया से रिश्तों को लेकर भी अब पॉलिटिकल बिरादरी से मीडिया के रिश्ते बहुत बदल गए। अब माफ़ कीजिएगा, कई बार एक ऐसा घोड़ा मीडिया को भी माना जाता है जिस पर सवारी की जाए, बैठ जाइए, एड़ लगाइए, जिस दिशा में आपको उस घोड़े को ले जाना है उस दिशा में ले जाइए। या फिर ये कहा जाता है डरो इनसे, या फिर कहा जाता है इनसे दूर रहो। आप कैसे देखते हैं इतने लंबे राजनीतिक करियर में आपके ज़बरदस्त संबंध रहे हैं मीडिया से, बिंदास, बेबाक, मित्रता, खुलेपन, कैसे संबंध एक राजनेता के मीडिया से होने चाहिए? मीडिया जो है किसी समय पर इंडिपेंडेंट होता था, अब मीडिया व्यावसायिक घरानों ने मीडिया खोल लिया अपने व्यवसायों को सुरक्षित रखने के लिए, और जब व्यावसायिक घराने इसमें शामिल हुए हैं तो फिर उनको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड होना ये भी उनकी मजबूरी हो गई है। और फिर जो पीत पत्रकारिता है, देखिए कई बार मैं कहता हूं कि न्यूज और व्यूज दोनों अलग अलग होने चाहिए। जो न्यूज है वो न्यूज के रूप में ही आप परोसे, और आपका व्यू है। पहले किसी जमाने में सभी समाचार पत्रों में या टीवी चैनल में लोकवाणी होती थी या समीक्षा होती थी, आप समीक्षा में आपके अपने व्यू रखिए पर न्यूज को तोड़ मरोड़ कर बताना। किसी एक्सीडेंट को किसी के ऊपर में इम्पोज कर देना क्योंकि एक्सीडेंट एक्सीडेंट है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो और साथ में अगर मीडिया कभी आपके खिलाफ करता है, लिखता है, अगर कोई परमानेंट ऐसा काम करता है तो आप ये मानिए कि वो कहीं ना कहीं से प्रेरित है, और कभी कभार होता है तो उसको आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है समय के साथ में सब चीजें ठीक हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैंने कभी, और मैं तो मानता हूं कि अगर आपके खिलाफ में कोई झूठे समाचार आते हैं तो उसका स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छी, क्योंकि आपके खिलाफ में कोई झूठा समाचार आया और आपने स्पष्टीकरण दिया तो वो एक सप्ताह चलता है, और एक दिन आपने उसके बाद में कोई रिएक्ट नहीं किया तो उसी दिन वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों में, और मीडिया को कभी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, अपना दोस्त मानना चाहिए। और ये मैं तो बहुत, कई बार मेरे खिलाफ समाचार आते हैं तो मैं सीधा फोन कर कर बोलता हूँ मुझे मालूम है ये समाचार इसने छपवाया है या इससे प्रेरित है, तो उनको भी समझ में आ जाता है कि ये बहुत अद्भुत बात है। जब आप ये बात कह रहे थे तो आप किसी बड़े मीडिया संस्थान के संपादक प्रतीत हो रहे थे। बहुत शुभकामनाएं ब्रजमोहन जी इस अलग तरह की बातचीत के लिए और आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए भी, जिसके कई महत्वपूर्ण पड़ाव अभी शेष हैं क्योंकि आपके भीतर बहुत ऊर्जा है। और ये सभी मानते हैं, आपके प्रशंसक भी और आपके आलोचक भी, कि ब्रजमोहन जी हमेशा एक नई इनिंग ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे सब कुछ नया है, तो ये भी एक नई इनिंग है और यह आपको और ऊंचाइयों की तरफ ले जाए। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर जी। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, दिग्गज नेता बीजेपी के, इस समय रायपुर से लोकसभा चुनाव की पूरी तरह तैयारी में जुटे हैं, उतने ही रिलैक्स। देखिए उनकी कितनी महत्वपूर्ण बात है, जब वो ये बात कहते हैं तो बहुत इसको सुना जाना चाहिए इस बात को, कि मीडिया से मित्रता ही सबसे अच्छी है। वो बिल्कुल सही बात कहते हैं बिना लाग लपेट के, कि मीडिया का व्यावसायिक रूप हो चुका है, और जब उसका व्यावसायिक रूप होता है तो उसमें अपने निहितार्थ भी होते हैं। लेकिन वो बहुत अद्भुत बात कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ खबर को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं तो उसकी उम्र बढ़ा देते हैं। ये उस 40 साल से राजनीति कर रहे राजनेता का अनुभव खनक रहा है इस बात में, जो पॉलिटिक्स के उनके समकालीन और युवा राजनेताओं के लिए भी एक आदर्श है। वो कहते हैं कि आज का युवा परिक्रमा की राजनीति कर रहा है, पराक्रम की नहीं। तो बहुत बड़ा एक वाक्य वो कहते हैं, आप सोचिए जो राजनीति में उतरे हैं, आपको लगता है कि किसी एक नेता की परिक्रमा करके आप अगर सफल हो जाएंगे तो माफ़ कीजिएगा,
आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पराक्रम और आपकी योग्यता ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें भाग्य का तड़का जो लगेगा ही किसी न किसी दिन, अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ो। और इसीलिए राजनीति की उनकी धारा साफ सुथरी भी है, क्योंकि ये काजल की कोठरी है, यहाँ कोई आरोपों से मुक्त नहीं है। लेकिन ब्रजमोहन जी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उनकी काली पैंट और सफ़ेद हाफ शर्ट के साथ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आश्वस्ति से भरा रहता है, और वो ये कहते हैं कि राजनीति अब तक ऐसे ही की है और आगे भी ऐसे ही करूँगा। नो पॉलिटिक्स प्लीज में इतना ही, अगली बार एक और शख्सियत से फिर मिलेंगे। नमस्कार।